हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स बुलेटिन सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं हमारी आज की डिस्कशन। जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये दिया गया है कि है मैंडेट अनिवार्य करता है कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो शुड बी, मतलब वो होने चाहिए मैंडेटरी तौर पे क्या, पब्लिक सर्विस के एक पर्सन होने चाहिए और इसी के साथ ही वो गवर्नमेंट में 20 या 20 साल से ज़्यादा उनको काम किया होने का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये यहाँ पे दिया गया, मतलब ये अनिवार्य कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि कोलिजियम हो या फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर हो, इससे रिलेटेड राइट जो कोई भी काम है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखना है, इसने करेक्ट स्टेटमेंट की बात यहाँ पे की है। अब एक बार आप देखिए, देखो हम बात करें यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के बारे में और दूसरे दोनों के बारे में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी एक्चुअली कंडीशन ये रखी गई है कि भाई उनको नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो कोई पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए गवर्नमेंट वगैरह, इससे कोई लिंक नहीं है। उनको इस मामले का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो इस मामले में महान ज्ञाता होगा वही एक्चुअली इसका चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं साफ साफ गलत हमें दिख रहा है। अब बात करें दूसरे स्टेटमेंट की। देखो आपको पता है कि इसकी जरूर काफ़ी बहस भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी रिट भी दायर की गई थी कि भाई जो कोलेजियम का मैटर है या फिर हाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी मैटर है वो एक्चुअली आरटीआई के ज्यूरिडिक्शन में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक कोई भी मैटर है, कोई भी ऐसा इशूज़ है वो एक्चुअली आरटीआई के अंतर्गत नहीं आ रहा है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी का। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ना तो वन और ना ही टू, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आया है वायु शक्ति 2019 के बारे में। वायु शक्ति 2019 में जो एक्सरसाइज हुई है उसके लेके पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि यह एक एयर एक्सरसाइज है किस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और दूसरा यह कह रहा है कि यह वो 3 साल में एक बार है वो कंडक्ट की जाती है। अब देखो अभी बता दूँ आपको, 16 फरवरी को ये एक्चुअली अभी राजस्थान में की गई थी थार डेजर्ट में, और आपको बता हुआ आई होप अब आपको उस फैक्ट याद आ गए होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। चलो खैर बता देता हूँ आपको, एक्चुअली यह इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है, मतलब इंडिया खुद ही अपने जो एयर प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जाता है अपने व्यक्ति, जो भी हम बोल सकते हैं कि इंडिया के पास जो भी वेपन्स वगैरह हैं एयरफोर्स के, उनके बारे में यहाँ पे उनकी जो ताकत है उसको आजमाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रांस का तो कोई लिंक ही नहीं है भाई साहब दूर दूर तक। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 3 साल में इसको एक बार है वो कंडक्ट किया जाता है, और अभी इसको 2019 में कंडक्ट है वो किया गया है। तो यह ध्यान में रखना है कि जो पोखरण में फायरिंग रेंज है वहाँ पे, जो कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की क्लोज है, वहाँ पे भी इसको हेल्ड आयोजित है वो किया गया था। इसमें इंडिया के जो भी वेपन्स वगैरह हैं एयरफोर्स के, उन सबको यहाँ पे आजमा एक तरीके से देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 3 साल में एक बार इसको आयोजित है वो किया जाता है और 1953 से स्टार्ट हुई है। तो ये उसके कुछ बेसिक फैक्ट थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कोरल कैन नॉट सर्वाइव, मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन में, कौन से हालात में कोरल रीफ है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। पहला दिया गया है नो सनलाइट, कि भाई वहाँ पे सनलाइट नहीं हो, मतलब एक तरीके से अंधेरा हो पूरे दिन पूरे टाइम। दूसरा यहाँ पे क्या गया, फ्रेश वाटर। तीसरा दिया गया है एस्चुरीज, और चौथा यहाँ पे दिया गया है कोल्ड वाटर। देखो एस्चुरीज क्या होती हैं, आई होप आपको पता होगा, जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पे ओशियन है और यहाँ से एक नदी आ रही है, तो नदी जो ही ओशियन में मिलेगी तो आपको पता है पहले तो डेल्टा विल्टा बनाती है नॉर्मली, पर जिस एरिया में जैसे कि मान लो कि यहाँ पे नदी का पानी इसमें मिला तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा पानी का फ्लो थोड़ा तेज सा रहेगा और वहाँ पे काफ़ी मतलब मिट्टी उथली पुथली सी रहेगी, पानी थोड़ा गंदा सा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड तो समुद्र का पानी की लहरें रहेंगी और एक साइड इधर ये पानी डिपॉजिट में रहेगा, थोड़ा काफ़ी क्या है यहाँ पे मतलब गंदला सा पानी हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको पता है इसको एस्चुरीज कहते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली कोरल रीफ सर्वाइव नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कोरल रीफ में यहाँ पे जो गंदा पानी, जो गंदला पानी है, फिर जो मिट्टी वगैरह आई भी बहा के लाई है नदी, वो एक्चुअली कोरल के ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो जीव रहते हैं जो जेंथला वो मर जाते हैं, और ऑब्वियसली फिर कोरल भी मर जाएगी। तो एस्चुरीज वाले एरिया में नॉर्मली जो कोरल रीफ है वो नहीं पाई जाती है। तो ये आपको एस्चुरीज के बारे में आपको बताओगा। अब इसने पूछा कौन से में सर्वाइव नहीं करती, तो इसका मतलब तीसरा तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अब आप देखिए तीसरा कहाँ का आ रहा है, तीसरा तो एक्चुअली पहले में भी आ रहा है और चौथे में भी आ रहा है। अब हम देखते हैं
दूसरे के बाद फ्रेश वाटर। देखो आपको पता है कि कोरल है उनके लिए सोल्टी वाटर भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कोरल वो खारे पानी में ही जिंदा रह पाती हैं, बट उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में तो टेम्परेचर होना चाहिए कोरल लीफ को सर्वाइव करने के लिए। और इसी के साथ ही हम और इफेक्ट की बात करें तो उनको थोड़ा सोल्टी वाटर चाहिए ना कि फ्रेश वाटर, तो मतलब दूसरा और तीसरा जहाँ पर आ रहा है वो एक्चुअली सही होगा। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही कि सेकंड और थर्ड है वो यहाँ पे सही है कि वहाँ पे कोरल लीफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इसको कुछ फैक्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो की हैं। इसी के साथ देखो एक रीज़न, हाँ ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो एस्टुरीज वाला एरिया होता है उसमें क्या होता है फ्रेश वाटर ज़्यादा होता है, तो आपको पता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फ्रेश वाटर में तो कोरल रीफ ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आप रीज़न है यहाँ पे दे सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है साइट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जो कि इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसके तहत जो भी स्पीसीज का ट्रेड होता है उनको बचाने के लिए है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑल स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर IUCN लिस्टेड आर प्रोटेक्टेड अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। मतलब साइट्स के अंतर्गत जो भी स्पीसीज प्रोटेक्ट करने की बात की गई है वो सारी IUCN की रेड लिस्ट से ली गई है, ये यहाँ पे कह रहा है। अब आप बताइए कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इसने इनकरेक्ट की बात की है। भाई ध्यान रखना है यहाँ पे UPSC ही इस तरीके से क्वेश्चन में कंफ्यूज करती है, इसने इनकरेक्ट पूछ ली है। अब आप एक बात देखिए इसके बारे में, साइट्स के बारे में यहाँ पे देखो, ये तो हमें बताया साइट्स के बारे में कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में या डिफरेंट देशों के बीच में, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट तो कोई गड़बड़ नहीं है, पहला तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है वो सारी की सारी प्रोटेक्ट की जाती है साइट्स के द्वारा। अब भैया आपको तो पता है, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है कि साइट्स की तो खुद ही अपनी अपेंडिक्स बनी हुई है, जिस तरीके से IUCN ने अपनी रेड लिस्ट बनाए रखी है उसमें जो एनिमल्स हैं प्लांट हैं वगैरह सब, उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है कि भाई ये वनरेबल है, ये लिस्ट कंकर्न लिस्ट में वगैरह वगैरह, तो उसी तरीके से साइट्स ने खुद अपनी लिस्ट बनाई हुई है, तो भाई वो क्यों उसके सारे लिस्ट को प्रोटेक्ट करेगी IUCN की, इसका मतलब कोई लिंक नहीं है आपके, तो दूसरा स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जाएगा। ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, लगभग 28% ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एक्चुअली, अभी कंटेक्स्ट आपको बता देता हूँ चलो, अभी एक रिसेंटली स्टडी हुई थी जनरल साइंस की और उसमें यह डिस्कवर किया गया था कि 28% ऑफ जो स्पीसीज हैं जो कि IUCN की रेड लिस्ट में है उनको एक्चुअली साइट्स के द्वारा प्रोटेक्ट है उन्हीं किया जा रहा है, मतलब उन सारी जो भी स्पीसीज हैं उनको साइट्स के तहत प्रोटेक्ट है वो करने की ज़रूरत है, तो ये कुछ स्टडी है वो की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जाता है और पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है कि भाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। अब हमारा जो पहला आर्टिकल है वह है मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेके। आपको पता है अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ था CRPF के जवानों पे, तो उसमें हमारे 44 जवान हैं वो शहीद हो गए थे, उसी दौरान उसके बदले में इंडिया ने क्या कहता, पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो रद्द कर दिया, उसे हटा दिया, मतलब पाकिस्तान इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन पे नहीं आता। ये देखो इसको लेके कुछ फैक्ट UPSC पूछ सकती है, पहला तो ये पूछ सकती है कि पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था रिसेंटली वगैरह ऐसे कुछ। भाई पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था, इंडिया ने जरूर उसको काफ़ी टाइम पहले से दे रखा है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था जबकि पाकिस्तान ने बात की थी 2012 के टाइम पर भी, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो मतलब ये फैक्ट हो गया एक इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड के लिए काम करता है ताकि आपस में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड अच्छा हो सके और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और इसी के तहत एक एग्रीमेंट है जिसे हम GATT के नाम से जानते हैं, GATT का मतलब यहाँ पे यह है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड्स, और इसके तहत जो GATT एग्रीमेंट है ना इसके तहत क्या करती हैं कंट्रीज आपस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देती हैं। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था पहले, तो इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंडिया में कर रहा था उन पर ड्यूटी वगैरह वो काफ़ी कम होती थी या फिर ना के बराबर या कई बार तो लगाई नहीं जाती थी, कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन जिस तरीके से हम कहते नहीं भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो तेरे लिए तो चल इतने ही ले जा, तो वो वाली बात है यहाँ पे। दुकानदार कई बार कहते हैं ना कि भाई आप तो घर वाले हो ये इतने में, तो वाली बात एक तरीके से, मतलब उनके ऊपर जो शुल्क वगैरह होते हैं सीमा शुल्क वगैरह हो गया, जब माल पे जो टैक्स वगैरह लगता है वो एक्चुअली ना के बराबर सा होता है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट है वो न्यूज़ में आया था पहले भी GATT, तो हमें ध्यान में भी रखना है। इंडिया ने इसको
इंडिया ने पाकिस्तान को ये दिया था वो नथिया 1996 में, बट पाकिस्तान ने आपको, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक ये मोस्ट प्रोबेबल नेशन का दर्जा नहीं दिया था। इसके बजाय पाकिस्तान ने एक स्टेटस है वो इंडिया के देने की बात हो की थी, बट अभी तक वो भी नहीं किया गया था, तो वो भी यूपीएससी में भी पूछ सकती है। वो नाम यहाँ पे दिया गया है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस यानी NDMA है, इसमें इंडिया को परमिशन देने की बात की गई थी, बट वो भी अभी तक नहीं दिया गया। अब एक फैक्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है और इंडिया पाकिस्तान को क्या करता है। देखो मेनली जो पाकिस्तान है यहाँ पे वो देखते हैं क्या क्या, भारत देखते हैं पहले किन किन चीज़ों का यहाँ पे निर्यात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान को किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया से, जैसे कपास हुई, या फिर जो यहाँ पे रंजक हो गए, या फिर केमिकल हो गए, प्लास्टिक हो गई, सब्जियाँ हो गया, लोहा वगैरह हो गया, इस्पात इंडस्ट्री हो गई, स्टील हो गया, ये चीज़ें इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। और जबकि इंडिया है वो पाकिस्तान से फ्रूट हुए, सीमेंट हुए, चमड़ा, लेदर हुआ, इसके साथ जो मसाले हैं वो वहाँ से आयात हैं वो किए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया पाकिस्तान से किन किन चीज़ों का ट्रेड है को करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है केल फॉरेस्ट के बारे में। केल फॉरेस्ट होते क्या हैं? देखो आपने मूवी वगैरह में या फिर आपने कभी देखा होगा कि पानी के अंदर भी एक तरीके के पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके के पेड़ पौधे आपने मूवीज वगैरह में कहीं देखे होंगे, और ये जो पेड़ होते हैं इनको ही एक्चुअली केल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी रिसेंटली आया था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से जो केल फॉरेस्ट हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन है वो होते जा रहे हैं, और एक तरीके से माइक्रोबायोम का अहम रोल निभाते हैं। देखो बायोम क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया पहले, हम उसी को डिस्कस करते हैं। बायोम का मतलब होता है काफ़ी सारे जो जीवमंडल हैं वहाँ पे, मतलब स्पीसीज हैं वो रह रही हैं, आपस में कोलाब्रेशन कर रही हैं, तो वो बायोमंडल हो जाएगा। मतलब जैसे कि फॉरेस्ट वाला एरिया है उसके अंदर जीव जंतु भी रहते हैं, पानी के जीव जंतु भी रहते हैं, वहाँ पे हवा भी मिल रही है, पेड़ पौधे भी हैं, तो वो क्या होगा, एक बायोम सा बन गए, वहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज हैं वो आराम से विचरण रहती हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं बायोम। तो अभी एक्चुअली ये माइक्रोबायोम, देखो आपको पता है अगर पानी के अंदर इस तरह से पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे छोटी मछलियाँ, केकड़े वगैरह, ये सब उनका उनका आवास है वो हो जाएगा, और उनको प्रोटेक्शन भी मिलती रहती है। तो अभी रिसेंटली स्टडी है वो की गई है, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि केल फॉरेस्ट है वो अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं या फिर आर्कटिक ओशियन वगैरह में, इस तरीके से हमें पूछ सकती है। तो हमें ध्यान में रखना है हिमालय वगैरह भी कहीं नहीं पाए जाते, ये केवल, तो ये तो अंडर वाटर एरिया के अंदर फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं, उनकी डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी घने हैं ये होते हैं। और मेनली अगर हम बात करें जो एल्गी होता है, जैसे सेवाल के नाम जानते हैं, उसी का एक एक्सट्रीम लेवल होता है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो सेवाल होते हैं पानी के अंदर उन्हीं का ये एक टाइप होता है जो कि पेड़ पौधों की तरह हमें दिखाई देता है, इसलिए इनको केल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कोरल रीफ्स को लेके, इसको हमने क्वेश्चन के में भी डिस्कस किया था कुछ फैक्ट, वो भी हम वापस देखते हैं क्या है कंटेक्स्ट। देखो ये आया था कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया आपको बताएं, और ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे ग्रेट बेरियर रीफ बनी हुई है, कोरल रीफ की एक टाइप है जो भी, जो कि विश्व की सबसे लंबी बेरियर रीफ है। और उसमें भी कंटेक्स्ट आया है कि देखो भाई ऑस्ट्रेलिया में भी आई थी फ्लड, और आपको पता है फ्लड में पानी काफ़ी गंदा होता है और फ्रेश वाटर वो होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कोरल रीफ है ना इसको भी नुकसान पहुँचने की बात है वो की जा रही है, कि भाई जो कोरल रीफ है इसलिए भी काफ़ी जल्दी मतलब डिक्लाइन है, पहले से इसको नुकसान हो रहा है और भी इससे नुकसान है वो हो सकता है। तो हम कोरल रीफ देखते हैं। देखो कोरल रीफ है, आपको बता दूं, जिसे हम परवाल भीतिया कहते हैं, मूंगे की चट्टान है, वो एक्चुअली समुद्र के भीतर पाई जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सोल्टी वाटर होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी ये पाई जाती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं? ये ऑब्वियसली चूने से बनी हुई होती हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से हम जिसे जानते हैं उससे इनका निर्माण है वो होता है। अब देखो ये कोरल रीफ है ना, उसमें क्या होता है, एक जीव, जिस जीव का नाम वो देख लेते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है इसमें मेनली एक जीव इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा पोलिप्स। तो सिलेंट्रा पोलिप्स है ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये जिंदा है वो रहता है, तो ये इफेक्ट होगा इंपॉर्टेंट। अब देखो जो सिलेंट्रा जो पोलिप्स है, ये जानवर है या फिर ये जो जीव है, ये क्या करता है, खाने पीने के कुछ और जो एक्टिविटीज हैं इसके लिए एक दूसरे जानवर पर डिपेंड करता है, एक दूसरे जीव पर, जिसका नाम एक सेवाल है जिसका नाम है जुजेंथिला। और जुजेंथिला को रहने के लिए चाहिए होता है घर, तो वो क्या करता है, जुजेंथिला जो सेवाल होता है वो एक्चुअली सिलेंट्रेटा जो पोलिप्स है इसके अंदर रहता है, इस कोरल के अंदर, और एक्चुअली इसको चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ पे एक दूसरे को घर है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और एक दूसरे को खाना है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब एक दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरा एक को सपोर्ट है वो करता है, ये तो होगा बेसिक फैक्ट। तो अभी क्या होता है, अगर पानी काफ़ी गंदा हो जाता है या फिर हम बात करें पानी काफ़ी सोल्टी हो जाता है, काफ़ी फ्रेश वाटर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो जुजेंथला जीव है ना वो जी नहीं पाते, ये मर जाते हैं। अगर जुजेंथला जीव मर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कोरल का जो जीव था जिसका नाम यहाँ पे था सिलेंट्रेटा पोलिप्स, ये भी मर जाएगा, और इसलिए कोरल रीफ है वो अपने आप डेड हो जाएंगी।
और ये एक आपको ध्यान में रखना है, इनको मेनली जो कोरल रीफ्स हैं इनको समुद्री वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समुद्र के अंदर बायोडाइवर्सिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट के तौर से भी जाने जाते हैं। और जो नॉर्मली जो बेरियर रीफ होती हैं वो जैसे मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों का जो मिलन होता है उस वाले एरिया में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साल भर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, पानी काफ़ी कम गहराई पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गहराई होगी तो सनलाइट कम पहुँचेगी, तो वो अपना खाना वाना शैवाल है वो खाना नहीं बना पाएंगे। अगर शैवाल खाना ही नहीं बना पाएंगे तो जुजंथला शैवाल है वो, तो भाई वो जिएगा कैसे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट भी ध्यान में आपको रखना है। अब देखो जो कोरल रीफ है इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो की हैं विश्व में सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ है वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर पाई जाती हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के एरिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ वो पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर हम बात करें कोरल रीफ की तो आपको पता है कि लक्षद्वीप वाला एरिया है वहाँ पे कोरल रीफ हैं, उनसे वो आइलैंड बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो मैक्सिमम जैसा मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के जो 30 डिग्री वाला एरिया है उस वाले एरिया में मेनली है वो पाई जाती हैं। और इसी के साथ ही वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ हैं उनका लगभग 30% हिस्सा है वो तो साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब जो आसियान वाली कंट्रीज वाला एरिया है उस वाले में, जहाँ फिलीपींस होगा, इंडोनेशिया होगा, इन कंट्रीज में हिस्से में ही पाया जाता है। और इसके साथ ही पैसिफिक ओशियन के अंदर भी पाया जाता है। तो पैसिफिक ओशियन में कहाँ कहाँ पे वो भी अगर हम देख लें, माइक्रोनेशिया हुआ, वानुआपू हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे लंबी जो कोरल बेरियर रीफ है वो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे लंबी बेरियर रीफ है वो पाई जाती है। इंडिया की बात करें तो लक्षद्वीप हो गया, इसके साथ अंडमान निकोबार में भी कुछ पाई जाती हैं और मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं जो कि तमिलनाडु के पास में, तो यहाँ पे इंडिया में रीफ है वो पाई जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखना है, लाल सागर और फारस की खाड़ी ये कहाँ पे, आप ये बताइए फारस की खाड़ी कहाँ पे, सोचिए एक बार। फारस की खाड़ी आप लोकेशन में जाके गूगल में देखिए, लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी ये पाई जाती हैं। तो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है कि भाई यहाँ पे होती हैं या नहीं होती। अब देखो हम बात करें जो कोरल रीफ होती है ना, ये मेनली तीन टाइप की होती हैं, एक तो होती है बेरियर रीफ होती है और एक होती है इसमें फ्रिंजिंग होती है और एक होती है एटोल टाइप की। देखो एटोल वाले तो जो लेंगून टाइप की हैं वो तो आपको पता है कि कहाँ पे है इंडिया में, वो तो मैक्सिमम पाई जाती हैं केरल वाले कोस्ट में, मतलब केरल का जो अरेबियन सागर वाला हिस्सा है वहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वो इंडिया में बेरियर रीफ वो नहीं पाई जाती, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में मेनली जो पाई जाती हैं वो जाती हैं फ्रिंजिंग और इसके साथ थोड़ी बहुत पाई जाती हैं एटोल वाली, बेरियर रीफ वाली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब इनके बारे में थोड़ा एक एक हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो यहाँ पे एक वर्ड है फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग का मतलब ये होता है कि तटीय प्रवाल भी, मतलब जो तट के किनारे पाई जाती हैं, जैसे हम थोड़ा एग्जांपल से देखो उसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी समुद्र में वोल्केनो बना, जैसे ये एक वोल्केनो बन गया, अब क्या होगा धीरे धीरे इस वोल्केनो के जो किनारे वाला जो एरिया होगा जहाँ पे इसका तट हो जाएगा, कोस्टल वाला हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे रीफ बनना शुरू हो जाएंगी, हल्की हल्की रीफ बनेंगी, तो वो रीफ क्या हो जाएंगी, वो तो हो जाएंगी फ्रिंजिंग रीफ। अब आपको पता है धीरे धीरे अगर समुद्र में वोल्केनो आया तो धीरे धीरे वापस जमीन में मतलब धंसने लग जाएगा पानी में, तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक सामने एक सर्किल सी लेयर बन जाएगी, वो सर्किल की लेयर है उसको बोलते हैं बेरियर रीफ। बेरियर रीफ क्यों? क्योंकि एक तरह से बाधा, मतलब जो इधर का पानी है वो इधर नहीं जा पाएगा, एक तरह से उसके बाधा का काम करेगी, मतलब उसको रोक लेगी, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सडनली सुनामी वगैरह आ रही है तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दबा देगी, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रोक लेगी, कुछ ना कुछ उनको एब्जॉर्ब है वो कर लेगी, क्योंकि इसने एक बैरियर का देखो बाधा काम कर लिया, इधर का वाला पानी नॉर्मल इधर नहीं आ सकता, इधर का पानी इधर नहीं रह सकता, ये हो जाएगी बेरियर रीफ। और उसकी भी नाम जो और भी पुरानी हो जाएगी तो क्या होगा, जो वोल्केनो है या फिर जो यहाँ पे ज्वालामुखी फूटा था वो पूरा अगर अंदर धस जाएगा तो एक रिंग सी बची हुई रह जाएगी जिसे हम एटोल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से तीन टाइप की होती हैं, तो उनको हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लिया है होता क्या है। और जो ये ध्यान रखना है कि जो कोरल या फ्रिंजिंग रीफ होती हैं वो तो कोस्टल एरिया के पास में ही पाई जाती हैं, और इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है हमारी बैरियर, बैरियर रीफ आपको पता है समुद्र से थोड़ी दूर पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र से वो अपने आप ही दूर हो गई, अगर ये हिस्सा धस गया तो देखो पानी हो गया, इधर भी पानी खूब हो गया, इधर भी पानी खूब हो गया। और इसी के साथ ही हम बात करें एटोल की, तो एटोल तो देखो काफ़ी दूर दूर तक, एटोल का तो कोई लिंक नहीं होता कि भाई वहाँ पर ज़मीन वगैरह कहाँ पर हो, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि एटोल है वो कहाँ पर पाया जाता है, यूपीएससी इनके बारे में भी पूछ सकती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वोल्केनो जब स्टार्टिंग में नया वोल्केनो बनता है तो फ्रिंजिंग बनती हैं, फिर धीरे धीरे वो सारे बैरियर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लास्ट में जब पूरा वोल्केनो धस जाता है तो एटोल का निर्माण है वो कर लेती हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है लाडीज के बारे में, यानी कि लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो यह शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आती है।
मतलब क्या है इस पोर्टल का? इस पोर्टल का मतलब है न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली। देखो अभी आपको पता है कि इनलैंड जो वाटरवेज वन है और टू पे इन पे काम वगैरह चल रहा था, और इनलैंड वाटरवे वन है वो तो स्टार्ट भी हो गया था हमारे देश का। तो उसमें देखो आपको पता है कि नदियों में पानी एनी टाइम नहीं तो यानी कि फिक्स रहता है, तो कई जगह पे पानी की गहराई ज्यादा होती है, कई जगह पानी की गहराई कम होती है। तो जो शिप वगैरह या वहाँ पे जो भी जहाज वगैरह चल रही है उनको काफी कन्फ्यूजन रहता है, जो भी वहाँ पे नौका वगैरह चल रही है, तो उनको एक रियल डाटा मिल सके कि भाई यहाँ पे पानी की गहराई कम है तो हमें शिप इस तरीके से लेके जाना है, यहाँ पे ज्यादा तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है। तो जो रियल डाटा है वो अवेलेबल करवाया जाएगा इस पोर्टल की हेल्प से कि भाई यहाँ पे पानी की गहराई ऐसी है तो आप ये स्पीड में ध्यान रखना है, यहाँ पे पानी की गहराई ज्यादा है तो आप ये ज्यादा स्पीड वगैरह रख सकते हो। तो उसके लिए बनाया गया, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि अभी रिसेंटली लाडीज न्यूज में था किसी है रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। देखो इंडिया के अंतर्गत पहली बार ऐसा स्टेप या इनिशिएटिव वो उठाया गया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल बन रही है जिसे अमरावती के नाम से जाना जा रहा है वहां पे। होगा क्या इसमें, थोड़ा से हम एग्जाम डायग्राम से समझते हैं। इसमें होगा कि ये मान लो कि पूरी सिटी है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसके सेंटर वाले एरिया में क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, कूलिंग और जो हॉट वाले जो भी गीजर वगैरह वो सारे एक जगह लगा दिए जाएंगे, और फिर क्या है पाइपलाइन की हेल्प से सिटी के अंदर जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब जैसे क्या होगा कि जब भी जिसको गर्म पानी ठंडा है जिस भी चीज़ की जरूरत है वो एक्चुअली इन पाइपलाइन से यूज है वो कर सकते हैं। इसका बेनिफिट देखो ये होगा कि फ्यूचर में एक तो है ना जो भी ये घर वगैरह जो भी आप बोल सकते हो कि ऑफिस जितनी भी चीज़ें होगी सिटी के अंतर्गत उनको अपने खुद के जो चिलर्स वगैरह हैं उनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर वो खुद अपने चिलर्स वगैरह खरीदते तो उनको काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, अगर लाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। मान लो कि एक ही घर में आप 5 गीजर खरीद रहे हो, 5 या 5 फ्रीज खरीद रहे हो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ठंडे पानी गर्म पानी इन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए स्टेप है वो उठाया गया है। मतलब इसमें क्या होगा एयर कंडीशन हो गया या फिर जो हीटिंग के लिए पानी गर्म पानी चाहिए होता है वो सब इसी की हेल्प से प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो जो बिल्डिंग वगैरह है उनको अलग अलग बॉयलर की जरूरत नहीं होगी, अलग अलग एयर कंडीशनर्स की जरूरत नहीं होगी, चिलर्स की जरूरत नहीं होगी, सारा काम वो सिटी के सेंट्रल सिस्टम से ही एक तरीके से कंट्रोल है वो किया जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू इसको मैनेज है वो किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, एक तो क्लाइमेट है इसके अगेंस्ट भी हम कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इनको हम रोकने में हेल्पफुल वो रहेंगे, इसके साथ ही कार्बन एमिशन है इसको भी हम रिड्यूस है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कहाँ पे है ये कवाल टाइगर रिजर्व ये हम देख लेते हैं। देखो कवाल टाइगर रिजर्व है वो एक्चुअली तेलंगाना के नॉर्थ हिस्से में अवेलेबल है। अब इसके बारे में ध्यान रखना कि इसकी लोकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो कवाल है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये एक्चुअली गोदावरी और जो कदम रिवर है इसके कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आती है। तो मतलब गोदावरी रिवर और कदम रिवर के कैचमेंट के एरिया में इसकी लोकेशन है, और इसके साथ ही यहाँ पे टाइगर और जो नीलगाई पाई जाती है वो इसके एक इंडिकेटर स्पीसीज है, मतलब यहाँ पे संकेतक के तौर पर भी काम करती हैं। और यह जो सेंट्रल एशिया का साउथ हिस्सा वाला है जी हो गया आपको पता है सेंट्रल एशिया, तो इसका जो साउथ हिस्सा है वहां पे कवाल टाइगर रिजर्व इसकी लोकेशन यूपीएससी इस तरीके से स्टेटमेंट में दे सकती है कि है जो टाइगर रिजर्व है वो सेंट्रल एशिया के साउथ वाले हिस्से में या साउथर्न पार्ट में पाया जाता है। इसके साथ ही ये तड़ोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व है इसमें, उन दोनों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पाया जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कवाल टाइगर रिजर्व है तो इसके नॉर्थ वाले हिस्से में तो पाया जाता है तड़ोबी अंधेरी वाइल्ड टाइगर रिजर्व, और इसके ईस्टर्न वाले हिस्से यहाँ पे क्या पाया जाता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है और वो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।